हेलो दोस्तों, मुझे पता है आपको थंबनेल में देख कर पता चल गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। हमारे पास देख सकते हैं दो कैमरा है, एक कैमकॉर्डर है, एक DSLR है। आप इन दोनों में से कौन सा खरीदना है? मुझे भी एक टाइम में ऐसे ही टेंशन हो रही थी कि कौन सा मैं कैमरा खरीदूं, बड़ा वाला खरीदूं कैमकॉर्डर या DSLR ले लूं। तो दोस्तों, मैं पहले शुरू में ये वाला कैमकॉर्डर लिया था क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड में इसकी बहुत डिमांड है बड़े कैमरे का, तो इससे करता हूँ। पहली रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न ये थी कि झारखंड में मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा होते हैं, कहने का मतलब कम पैसे में काम कराना चाहते हैं, उनके पास बजट कम होती है। 10-12 हज़ार में वीडियो 3 दिन में रिकॉर्डिंग करके देना पड़ता है, इसलिए इस कैमरे को मैंने परचेज किया। अब 2021 का मामला चल रहा है, मैंने जब ख़रीदा था इसे 2017 में ख़रीदा था। अभी 2021 आ गया, डिजिटल आ गया है, 4K आ गया है, 6K तक तो वीडियो चल रहा है। दोस्तों, इंडिया में भी कई ऐसे फैमिली हैं जो रिच फैमिली से हैं, मतलब अमीर फैमिली से हैं। तो दोस्तों, उन लोग पैसा तो खर्च करना चाहते भी हैं और अच्छे वीडियो भी चाहते हैं। तो उन लोग के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे अच्छी बजट मिल रही है, अच्छे पैसा मिल रहा है आपको कैमरा वीडियो करने के लिए, फ़ोटो करने के लिए, तो आप DSLR परचेज कीजिए। DSLR में दोस्तों, आप इससे फ़ोटो भी अच्छा क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी Full HD 4K तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और Full HD ये भी है दोस्तों, Full HD ये भी है, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी से अच्छा वीडियो क्वालिटी DSLR से होता है। लेकिन दोस्तों, रही बात कि आखिर इसे क्यों लोग खरीदते हैं। दोस्तों, जब लॉन्ग टाइम वीडियो, जैसे कि ज़्यादा देर तक हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो इस कैमरे को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कैमरे का हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा कि इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा देता है, ठीक है। तीसरा, जूम वगैरह करने में बहुत आसान होता है। और चौथा, फोकस भी बहुत अच्छा लेता है। और दोस्तों, DSLR का कमी है कि थोड़ा फोकस में बार बार आपको मैनुअली फोकस करना पड़ेगा। ऑटो में रखिएगा तो फोकस हंटिंग करेगा, ठीक है, और जूम करेंगे तो आप चाहे कितना भी क्यों ना ट्राइपॉड में कसे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैमरे में जर्क सा आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग गाना वगैरह जो एल्बम शूटिंग होता है दोस्तों, वो हम लोग करते हैं। वेडिंग वाले यही हमारे लिए बेस्ट है। और वेडिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए निकोन का कैमरा खरीदे दोस्तों, DSLR बहुत बेस्ट रहेगा। कैनन का मत खरीदिए, कैनन का अगर लेना है, कैनन के लिए बेस्ट क्वालिटी है वीडियो। अगर आप वीडियो सिनेमेटिक लेना चाहते हैं तो कैनन का कैमरा खरीदिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैमरे मत खरीदो, ये खरीदो, ये मत करो, आप सब खरीदो, लेकिन आप अपना बजट के अनुसार खरीदो। आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किस स्टेट में रह रहे हैं, उसके हिसाब से खरीदें। आप देखिए कि आपका स्टेट में किसका डिमांड है, DSLR का, 4K का, Full HD का, या आपका प्राइस कितना मिल रहा है। अगर दोस्तों आप ये 1 लाख 1.5 लाख का DSLR कैमरा खरीद लेते हैं और आपको 3 दिन काम करना पड़ेगा किसी का भी घर में, वेडिंग में, तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये देगा दोस्तों, और पूरे साल आपको बैठ के रहना है, तो आप तो फंस जाएंगे, आपका पूंजी भी लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके शहर में अगर 10-12 हज़ार में अभी भी काम होती है, तो आप ऐसे वाला कैमरा खरीदें, सस्ते वाला कैमरा खरीदें, और अच्छा, इसमें भी अच्छा वीडियो क्वालिटी होता है। तो दोस्तों, अभी दोनों का मैं रेट बता दूं, ये कैमरे का भी दोस्तों लगभग 80 हज़ार के आसपास पड़ेगा और ये कैमरा भी 90-95 हज़ार पड़ेगा। दोस्तों, इस कैमरे के मॉडल के बारे में बात किया जाए तो 7200D है दोस्तों, ठीक है, ये DSLR है दोस्तों। और अभी अगर बात किया जाए नए ज़माने में, मतलब अपग्रेड होने वाली है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखने के लिए हमें मिल रहा है कि कैमकॉर्डर धीरे धीरे बंद हो रही है और DSLR का जो डिमांड है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे सिनेमेटिक होती है, मतलब जो बैकग्राउंड होती है ब्लर इफेक्ट सभी लोग पसंद करना चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो और बहुत सुंदर हो, गोरा आए, काला आदमी भी गोरा आए, तो इसके लिए DSLR ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसे यूज भी करना, मतलब कहीं कैरी करने के लिए बड़ी आसान है, आप छोटे से बैग में भी आप ले जाएंगे। इसे भारी भरकम कैमरा है तो थोड़े अच्छे से लेना पड़ेगा और बड़ा बैग भी परचेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लंबे टाइम तक काम करना है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में, तो आप ये कैमरा परचेज कीजिए,
बार बार कैमरा नहीं खरीदना चाहते हैं तो DSLR खरीदिए, क्योंकि अब आने वाला ज़माना में DSLR से वीडियो ही शूट होगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और अगर अभी भी आपके शहर में बहुत कम रेट में काम लोग कर रहे हैं जो पुराने वीडियोग्राफर वाले हैं फोटोग्राफर, तो आप इस कैमरे को खरीदिए क्योंकि आपका बजट कम है। अगर आपका बजट सही है, अच्छा है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उधर अच्छे पैसे मिल रहा है, आप अच्छे पैसा कमा सकते हैं, तो DSLR खरीदिए। सो मैंने दोनों का बता दिया है लगभग लगभग मोटा मोटी, तो आप जो भी कैमरा खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों भाई के पास मतलब पैसे कम है अभी फ़िलहाल, और उन्हें वीडियोग्राफी भी करना है फोटोग्राफी भी करना है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप रेंट पर भी कैमरा ले सकते हैं। और अगर आपको सीखना भी है और लेना भी है तो उनसे मैं एक उपाय बताऊँगा कि अगर कोई आपके अगल बगल में गांव में कोई वीडियोग्राफी करता है उसके साथ एक दो दिन जाइए, अगर पैसा नहीं भी देता है तो भी जाइए, थोड़ा देखिए कैसे होता है। उसके बाद अगर आप सीख जाते हैं तो कहीं पर भी आप बुक लीजिए, उसके बाद उसी का कैमरा भाड़े पर 500-1000 रुपये में लेके आप काम कीजिए, और धीरे धीरे पैसा कमा के आप खुद का कैमरा खरीद लें। और अगर आपके पास 30-40 हज़ार है तो आप कोलकाता से ले सकते हैं, पटना से ले सकते हैं। कोलकाता के एड्रेस में बता दूँ दोस्तों, मेट्रो गली स्टेशन में जाइएगा तो ढेर सारे कैमरा दुकान है, आप अपने बजट के अनुसार और एक साल के वारंटी के साथ कैमरा खरीद सकते हैं। तो थैंक यू, वॉच दिस वीडियो, बाय बाय।